ये हमने बॉर्डर बना लिया है, आप चाहे जैसा भी बॉर्डर बना सकते हैं। इसमें हम एक बुनाई डालने वाले हैं, ये देखिए सीधी सिलाई, हम सीधी साइड से हम इसे उल्टा बुनेंगे। इसी तरह हमें गांठ की पूरी सिलाई उतारनी है। अब हमने सीधी तरफ से गांठ की सिलाई बना ली है, यहाँ हम उल्टा बुनेंगे, गांठ गांठ बनाएंगे सीधी साइड से, फिर हम इसे बैक साइड से, ये हमारी उल्टी साइड है, यहाँ हम एक फंदा बुनेंगे, उसके बाद एक दो तीन, तीन फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। इस तरह से तीन फंदों को एक साथ निकाल देंगे। अब हम ये धागा पीछे करेंगे और एक फंदे के हम सीधा बनाया, फिर इसी पर हमने एक उल्टी साइड से तीन फंदे बना लिए। यहाँ हमारे पिछली बार तीन फंदे घटे थे और यहाँ हमारे तीन फंदे फुल हो गए। फिर वैसे ही करेंगे, हम तीन का एक बनाएंगे, फंदा पीछे की साइड में लेंगे और एक के तीन फंदे बनाएंगे। इसी तरह हमें पूरी लाइन बनानी है। हमने पूरी सिलाई बना ली है, एक के तीन करें और तीन का एक करा, इसी तरह पूरी सिलाई बन गई। उल्टी साइड से हमें फिर वही, सीधी साइड से हमें फिर वही गांठ की सिलाई उतारनी है। अपनी तरफ फंदा करेंगे और गांठ बनाते जाएंगे। इसी तरह ही हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। अब हमने गांठ की सिलाई उतार ली है, अब फिर हम वही करेंगे, उल्टी साइड से ही बुनाई डलेगी है। एक फंदा हमने ऐसे ही उतार लिया। अब जिस फंदे को हमने पहले घटाया था उसी के ऊपर हम आपको इस बार फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पहले हम तीन फंदे घटाए थे तो ये अकेला फंदा दिख रहा है, ये इस तरह से देखिए। अब इसके हम तीन फंदे बनाएंगे, एक और दो। अब ये जो हमने तीन फंदे पहले बढ़ाए थे, अब इनका एक फंदा बनाएंगे, एक साथ तीनों को लेकर एक फंदा बना देंगे। फिर वही एक फंदा अलग दिख रहा है आपको, देखिए। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर इसके हम तीन फंदे बनाएंगे। ये तीन फंदे हैं, इनका एक फंदा बनाएंगे। इसी तरह हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। फिर ये एक फंदा है, धागा पीछे करेंगे और ये फिर एक के तीन फंदे बनाएंगे। धागा आगे रहने देंगे, फिर हम इसके तीन के एक फंदा बनाएंगे। इसी तरह फिर एक फंदा है जहाँ हमने पहले फंदे घटाए थे। ये पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है, यहाँ तीन, यहाँ एक, एक का तीन और तीन के एक बनने हैं। ये देखिए इधर आपको बुनाई दिखाई देगी। फिर हमें वही गांठ की सिलाई उतारनी है, उल्टी सीधी साइड से गांठ की सिलाई ही उतरेगी। इसी तरह से कितनी सुंदर सुंदर गांठ सी बनती चली जा रही है। बहुत अच्छा डिजाइन है, बहुत प्यारा डिजाइन लगता है। चाहे आप इसे लेडीज स्वेटर में डाल सकती हैं, जेंट्स स्वेटर में डाल सकती हैं। बहुत प्यारा डिजाइन है और बहुत ही आसान है।